चौधरी साहब, आपकी क्या राय है, क्या मौलाना साहब पीटीआई से इत्तेहाद करेंगे आगे चल के? एक सवाल पर उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई से अभी बात नहीं हो रही, लेकिन हमें इनकार भी नहीं है। आपको लगता है कि बातचीत आगे बढ़े तो मौलाना साहब बैठ सकते हैं पीटीआई के साथ? देखिए, मौलाना साहब जो हैं इस वक्त वो बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और वो क्योंकि एक कोई उससे एग्री कर सकता है, उनके मौक़िफ़ से डिसएग्री कर सकता है, लेकिन आप एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि मौलाना साहब की खिताबत, मौलाना साहब के फैसले और उनकी जमात को सियासत करना आती है, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गहरी सियासत नहीं करती। मौलाना साहब इस वक्त बयानिए की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं, और वो जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसमें उनका जो मुखातिब है, उनकी कल पूरी तकरीर जो 40 मिनट की है वो भी उन्हीं से वो बराह रास्त मुखातिब थे। इसमें कोई ये कहे कि किस से मुखातिब हो, बिल्कुल मुखातिब हैं, और वो जो ये समझते हैं कि उनको जो शिकस्त हुई है या उनकी जो पार्टी हारी है, एक तो उनके इलाकाई जो हैं और प्रोविंशियल प्रॉब्लम्स हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ये कहा है, उन्होंने तस्लीम किया है कि वहाँ पे दहशतगर्दी का मसला बड़ा शदीद है और TTP का मामला जो है सामने है, और मौलाना साहब की जमात के ऊपर अटैक होते रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान। एक तो उनको सर्वाइवल का भी मसला है, दूसरा ये है कि जो बयानिए की जंग में देखिए, इस वक्त PTI और मौलाना का इत्तेहाद जो हो सकता है वो बेयर मिनिमम कंसेंसस पे तो हो सकता है, यानी अगर वो वन पॉइंट एजेंडे पे हो जाए, जिनको वन पॉइंट एजेंडे पे, और ये हमारे रिसेंटली जैसे ये PDM की जमातें थी, ये भी इत्तेहाद वन पॉइंट एजेंडा एंटी इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर रहा, और उसके बाद इलेक्शन सबने अपने अपने लड़े। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो लाइन मौलाना साहब ने इख्तियार की है या जिन लाइनों खतूत के ऊपर PTI है, तो इस वक्त अगर उनका आपस में मुलाकात। लेकिन चौधरी साहब, ये एक मैं इस पे आप पे जरूर सवाल ले लूं, फिर मुझे गौर बिलोर साहब की तरफ भी जाना है। एक तरफ मौलाना साहब से शाकी हैं कि आपने ये इलेक्शन, उनका ख्याल ये है कि जी इलेक्शन जो है ये रिग किया गया और मौलाना साहब को हरवाया गया, उनका ये मौकफ है। अब अगर ये बात मानी जाए तो फिर मौलाना साहब, एक सेकेंड सर, मौलाना साहब ने तो अगर जीतना था तो KP में जीतना था, अब वहां पर अगर जीते हैं तो PTI जीते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब को हरवा के PTI को जितवा दिया है? तो अगर ये वो समझते हैं तो फिर वो PTI के साथ ही इत्तेहाद क्यों करेंगे, जबकि उनकी खातिर अगर वो ये समझते हैं कि उनको हरवाया गया है, तो ये बात को समझ नहीं लग रही मौलाना की पॉलिटिक्स की। देखिए, मौलाना साहब जो है वो दो बातें कर रहे हैं, वो ये कह, और कल भी उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा है कि हम आप पे धांधली का इल्ज़ाम और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, असेंबलियाँ बेची गई हैं और ख़रीदी गई हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात नहीं है तो फिर अवाम ने आपका जो 9 मई का बयानिया है वो दफन कर दिया है। तो देखिए, ये बड़ी क्लियर लाइन है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो वो धांधली आपने करके मेरे मुखालिफ फरीक को फ़ायदा दिया है, और अगर नहीं हुई है तो फिर ज़ाहिर है आप फिर तो सर दोनों सूरतों में फिर फायदा तो PTI को ही मिला है ना सर। अगर वो ये कह रहे हैं कि 9 मई का बयानिया नहीं सर, आप और कुछ देखिए, मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल होने दें, मैं दूर बैठा होता हूँ, 4 सेकंड लगते हैं आपकी बात को मेरे तक पहुँचने में, मेरी बात आप तक पहुँचने में। सो इशू ये है कि मौलाना साहब इस वक्त पोलिटिकली रेलिवेंट हैं। आप मुझे बताइए कि जितने मौलाना साहब इस वक्त पोलिटिकल रेलिवेंट हैं और डिस्कशन में हैं, कोई और जमात है पाकिस्तान की? हुक्मरान जो हैं वो हुकूमत कर सकते हैं, हुकूमत सियासत नहीं बचाती, ये याद रखिएगा, सियासत हुकूमत बचा सकती है। सर मैं कब कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि वो अच्छी सियासत नहीं कर रही, मैं कुछ और बात कर रही थी। चौधरी साहब, जैसे अभी अली गौर बिलो साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे, और इससे पहले जो मैंने इमरान साहब से भी सवाल किया कि एक टेम्परेचर हमें नजर आ रहा है कि बहुत हिद्दत बढ़ रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो दो टोक बयानात आए हैं PTI के लिए, और ख़ास तौर पर जो बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की गई DGISPR की तरफ से, जिसका सख्त रद्दअमल भी दिया PTI ने, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई PTI या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलेगी कोई मामला, या फिर आगे मजीद हम देखेंगे कि तलखी आ रही है सियासत में? देखिए, फिलहाल अंदिया तो तलखी का ही दिया जा रहा है, दोनों साइडों ने अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग पोजीशंस ली हैं, जिसमें ये अंदिया नहीं है किसी भी तरफ से,
कि जो है वो लचक का मुजाहरा जो है किसी तरफ से किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले हालात जो हैं वो इतने डिफ़िकल्ट हैं कि उसमें फिर कोई ना कोई बात करनी पड़ेगी। जहाँ तक तो हुकूमत मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, तो मैं बिल्कुल ना तो वो चाहते हैं कि उनके मुज़ाकरात हो, ना वो कर सकते हैं। अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने ओन पे कोई फैसला कर सके। वो कैबिनेट अपनी मर्जी की नहीं बना सकते बावजूद कोशिशों के, तो बाकी तो बातें आप छोड़ें। और एक और बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए 9 मई में हुकूमत की तरफ से ये कहना कि सजाएं नहीं हूँ, ये अपने फेलियर का एडमिशन है। क्योंकि तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन रियासत यानी स्टेट और हुकूमत के ज़िम्मे होती है। अगर हुकूमत इसमें फेल हुई है एक साल में, वो 9 मई के जो असल कल्प्रट्स हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बना दिए गए और इसमें अपने सियासी मुखालफीन को जो है वो बिल्कुल हकायक के बरक्स जाके इन्वॉल्व किया गया। एक जो मुकदमे में 15,000 बंदे जब आप एक इंसिडेंट में आप करेंगे, तो फिर तफ्तीश तो मुकम्मल नहीं होगी। अभी भी अदालतों में चालान नामुकम्मल है, और जब तक आप चालान जमा नहीं कराएंगे, तफ्तीश मुकम्मल नहीं करेंगे, तो अदालतें फैसला नहीं दे सकती। सिर्फ अदालतें इसकी जिम्मेदार नहीं हैं, इल प्रोसिक्यूशन और जो है नाकिस तफ्तीश इसकी मेन वजह है। एक एक शख्स को हकायक के बरक्स अगर आप 35 जगहों पे एक ही वक्त में दिखाएंगे, तो फिर कैसे आप तवक्को करेंगे कि अदालतें उनको सजा दें। एक एक साल हो गया है, जो खातीन कैदी हैं उनके खिलाफ अभी तक आप कुछ नहीं बना सके, और हर बार उनकी जमानत के बाद एक झूठे मुकदमे में उनको मुलव्वस करके किला मशानी जैसी जगहों पर लेके जो है वो किया गया। और अदालत पर भी मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह से उनके फिज़िकल रिमांड दिए जा रहे हैं, और इस तरह से जो जिस उनको ट्रीटमेंट जो है वो फेयरनेस और फेयर ट्रायल के भी बरक्स है, और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो किसी तौर पे भी आप ये नहीं कह सकते कि इंसाफ के किसी भी तकाजे को पूरी करती है। और इसी तरह से हर जगह के ऊपर एक सियासी मुखालफीन को फंसा के, और हुकूमत के पास ये भी समझना लगता है कि कोई और चीज़ बताने को है नहीं, ना मईशत पे बात हो रही है, ना पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शोबा है जिसके ऊपर बात हो रही है। और आज आके 9 मई का ढंडोरा जो है वही पीटा जा रहा है, और अवाम ने तो उसको मुसरद 8 मई को 8 फरवरी को कर दिया है, और इलेक्शन में उसको वोट ना दे के उन जमातों को जो को 9 मई की बात करते हैं, तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी कोई बात नहीं की जाती और 9 मई के पीछे छुपा जाता है। और ये फेलियर्स जो हैं, ये कौन कितनी देर तक उठाएगा इन नाकामियों का बोझ।